नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस प्लान की। बढ़ती बीमारियों के साथ साथ अस्पताल के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और इस मेडिकल इन्फ्लेशन से निपटने के लिए आपकी मदद करता है क्रिटिकल इलनेस प्लान। आज के वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे क्या होता है क्रिटिकल इलनेस प्लान, क्या है क्रिटिकल इलनेस प्लान के फायदे, क्रिटिकल इलनेस प्लान में क्या क्या शामिल होता है, क्रिटिकल इलनेस प्लान को राइडर के तौर पर लेना चाहिए या फिर स्टैंड अलोन पॉलिसी के तौर पर। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब अब जानते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल इलनेस प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले भी ये जानते हैं क्रिटिकल इलनेस क्या होती है। तो क्रिटिकल इलनेस यानी ऐसी गंभीर बीमारी जो आपके काम करने की क्षमता को आंशिक या फिर स्थायी रूप से प्रभावित करे। और क्रिटिकल इलनेस प्लान होता है किसी गंभीर जानलेवा बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च की भरपाई। और इसी परिभाषा से क्रिटिकल इलनेस प्लान का सबसे बड़ा फायदा भी पता चलता है। अब मानिए अपने लाइफ में आप कुछ बड़े प्लान बना रहे हैं, जो हमें से कई लोग बनाते हैं, लेकिन अचानक से आपको किसी गंभीर बीमारी होने का पता चलता है तो सारे प्लान होल्ड पर आ जाते हैं और उसकी जगह ले लेती है चिंताएं कि अब लंबे चौड़े इलाज, अस्पताल, दवाइयों के खर्चे, उसको क्या आपकी इनकम मैनेज कर पाएगी। ये कुछ सवाल वाजिब है, लाजमी है। और ऊपर से अगर बीमारी की वजह से आय आपकी बाधित होती है तो ये चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यही आपका क्रिटिकल इलनेस प्लान काम आता है। अब डेफिनेटली आप में से कई लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि मेरे पास तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो फिर मुझे क्रिटिकल इलनेस प्लान की क्या ज़रूरत है। तो इस सवाल के जवाब से पहले ज़रा समझ लेते हैं कि क्रिटिकल इलनेस प्लान में शामिल क्या क्या होता है। क्रिटिकल इलनेस प्लान में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी की बीमारी, पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारियां शामिल हैं। अब ये वो बीमारियां हैं जिनके इलाज के खर्च की भरपाई शायद बेसिक हेल्थ प्लान ना कर पाए। 10-12 लाख से ऊपर का खर्च आता है इनके इलाज में, इसलिए गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च क्रिटिकल इलनेस प्लान से कवर पूरा हो सकता है। और क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐसे बनाए गए होते हैं, डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बीमारी के, गंभीर बीमारी के इलाज के हिसाब से कवरेज दें। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना बेहतर माना जाता है। अब जिससे पहले हम ये बताएं कि क्रिटिकल इलनेस प्लान आप कैसे ले सकते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस प्लान काम कैसे करता है। अब जैसे किसी गंभीर बीमारी होने का डायग्नोसिस हुआ है, पता चला है, तो आपका जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है वो एक मुश्त रकम आपको दे देती है जो आप उस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। एक मुश्त रकम भुगतान के साथ आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीमारी के पता चलने के 30 दिन यानी एक महीने के सर्वाइवल पीरियड के बाद आपको ये एक मुश्त रकम मिलती है। और साथ ही आप एक से ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आप क्रिटिकल इलनेस प्लान ले कैसे सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके हैं। आप क्रिटिकल इलनेस प्लान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं, और वो भी दो तरीकों से। एक होता है राइडर के तौर पर और दूसरा होता है स्टैंड अलोन पॉलिसी। दोनों तरीके समझते हैं। सबसे पहले, जैसे आप जब लाइफ इंश्योरेंस के साथ राइडर के तौर पर पॉलिसी लेते हैं, क्रिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बेस सम इंश्योर्ड राशि में क्रिटिकल इलनेस कवर एडिशनल बेनिफिट के तौर पर जुड़ता है। इसमें आपके लाइफ इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड सेम रहेगा तब भी जब आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर इस्तेमाल किया हो। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके पास 1 करोड़ सम अश्योर्ड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आपने 40 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ दिया है, तो क्रिटिकल इलनेस जब आप क्लेम करते हैं तो स्थिति में आपका जो बेस सम अश्योर्ड राशि है 1 करोड़ की, वो नहीं बदलेगी। आपका प्रीमियम भी जो आपके बेस सम अश्योर्ड राशि है यानी 1 करोड़, उसके हिसाब से ही सेम रहेगा। अब दूसरा इसका तरीका है, क्रिटिकल इलनेस राइडर को आप एक्सेलरेटेड बेनिफिट के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बेस सम अश्योर्ड राशि से क्रिटिकल इलनेस राइडर की रकम कम हो जाती है और जाहिर है आपका प्रीमियम भी सम अश्योर्ड पर ही बनेगा जो नया है। इसके उदाहरण के तौर पर, 1 करोड़ की सम अश्योर्ड प्लान में अगर 40 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने लिया हुआ है और उसको आप क्लेम करते हैं,
तो ये राशि 1 करोड़ माइनस 40 लाख यानी 60 लाख रुपए आपका समर शॉर्ट हो जाता है, जिस पर आप अकॉर्डिंगली प्रीमियम चुकाएंगे। ये तो राइडर की बात हुई। अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस में स्टैंड अलोन पॉलिसी कैसे काम करती है। स्टैंड अलोन पॉलिसी मतलब टर्म पॉलिसी से अलग एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना, जिसमें टर्म प्लान आपके बाद आपके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि क्रिटिकल इलनेस प्लान आपको कई गंभीर बीमारियों में कवरेज प्रदान करता है। यहाँ पर ये बात हमें समझ में ज़रूर आई है कि स्टैंड अलोन पॉलिसी के मुकाबले क्रिटिकल इलनेस राइडर प्लान आपके लिए महंगा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये भी ज़रूर है कि डेथ बेनिफिट जो लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, क्रिटिकल इलनेस, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रिस्क हैं और दोनों को अलग रखना ही बेहतर होता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के साथ राइडर या फिर स्टैंड अलोन पॉलिसी कैसे काम करते हैं क्रिटिकल इलनेस की। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस को राइडर के तौर पर जोड़ते हैं तो उसके लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं, कम बीमारियां उसमें कवर होती हैं, जबकि एक स्टैंड अलोन पॉलिसी यानी अलग से पॉलिसी लेते हैं तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है जिसमें ज़्यादा बीमारियां कवर होती है, हो सकता है उसका प्रीमियम उससे ज़्यादा हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लेने का फ़ायदा हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी गंभीर बीमारी के डायग्नोसिस पर आपको आपकी स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लमसम अमाउंट पे करती है, और इसी बीमारी के वजह से आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उसके इलाज का खर्च बाद में आप बिल दिखाकर रीइंबर्स भी करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही समय पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और अपनी जो स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है उसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस आपकी बीमारी पर खर्च ना हो जाए, इसलिए समझदारी शायद इसी बात में है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अलग से क्रिटिकल इलनेस प्लान लें। तो ये बात रही आज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की बारीकियों की। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।